So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, measurement of women empowerment in agriculture. So, student, आज का जो session है इसमें हम लोग basically discuss करेंगे कि जो women का empowerment हुआ है in the sense of or in sector of agriculture, उसका आज हम लोग measurement करेंगे. Means उसका actual situation क्या है women की in agriculture sector में. मतलब अगर इनको कह सकते हैं कि क्या रोल है वुमेन का एग्रीकल्चर सेक्टर में इन डिफरेंट मेजर एक्टिविटीज़ में एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में, तो उसी को मैं डिस्कस करूँगा. जो भी स्टूडेंट हैं, स्पेशली जेआरएफ और नेट एसआरएफ के स्टूडेंट, उनके लिए सेशन ये हेल्पफुल होने वाला है. आप अगर एकेडमिक में भी या जेंडर का कोर्स PG and PhD दोनों में पढ़ते हैं, उसमें भी ये हेल्पफुल होगा. सो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली आज का जो हम सेशन कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, स्टेटस क्या है वुमेन का एग्रीकल्चर में, रोल ऑफ फार्म वुमेन, मतलब फार्म वुमेन का क्या रोल है उसको देखेंगे, एम्पावरमेंट बेसिकली क्या है, कैसे किया जाता है, व्हाई वुमेन एम्पावरमेंट, क्या नीड पड़ी या क्या नीड है वुमेन एम्पावरमेंट की, इसको हम लोग देखेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, ये हम देखेंगे. एंड लास्ट में देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एग्रीकल्चर, क्या स्ट्रेटजी है जिससे हम वुमेन का एम्पावरमेंट करेंगे इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर. तो बेसिकली जो हम स्टेटस अगर देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि मोर देन 70% वर्क इन एग्रीकल्चर, जो वुमेन है या महिलाएं हैं उनका 70% वर्क, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें 70% इनका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 41% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, 41% जो है वुमेन हैं या जो पॉपुलेशन का 41% वुमेन का है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार पा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, ये डेटा है. मतलब 70% जो है वो वर्क कर रही है एग्रीकल्चर का और 41% वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसीव ओनली 5% ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, डिफरेंट नई टेक्नोलॉजी है या नई इन्फॉर्मेशन है या नए आइडिया है, उन तक सिर्फ 5% ही पहुँच रहे हैं, तो ये डेटा है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्राइजेस 43% ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स, जो एग्रीकल्चर लेबर फोर्स का है उसमें 43% जो कंट्रीब्यूशन है वो वुमेन का है. तो आप देख सकते हैं कि वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या स्टेटस है एग्रीकल्चर में. नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं फीमेल सेल ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स 1980 से 2010 तक और 2011 का ये डेटा है और ईयर बाय ईयर वो बढ़ ही रहा है. नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, क्या एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में क्या स्टेटस है और इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विसेज में क्या कंट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल का, आप उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे तो हम लोग देखते हैं ये ड्रा है जिसमें आप देखेंगे कि जो 33% जो कल्टीवर लैंड है इसमें 10-30% लेस इनकम देन मेन के ये जनरेट कर रही हैं और 47% एग्रीकल्चर लेबर एक्टिविटीज़ में इनका एंगेज है और 52-75% अभी इलिटरेट है महिलाएं और लेस देन 10% जो हैं वो लैंड की ओनर हैं. इनका स्टेटस वुमेन का ये जो सोर्स है वो विकिपीडिया का है. मींस आप अगर देखेंगे तो 84% जो डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, मींस जो वुमेन की पॉपुलेशन है 84% डिपेंड एग्रीकल्चर में, बट क्या है 47% वो लेबर की तरह वर्क कर रही है उसमें और जो वर्क कर रही है 84% पॉपुलेशन की उसमें 52-75% इलिटरेट हैं तब भी वो इंगेज हैं और इतनी 84% जो पॉपुलेशन है इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में बट लेस देन 10% टू लैंड की ओनर है. ये आप डेटा देखिए. नेक्स्ट टेबल है कि वुमेन पार्टिसिपेंट रेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, तो बेसिकली सबसे ज्यादा किस सेक्टर में है यहाँ से हम लोग देखेंगे तो टी प्लांटेशन में 47% ये इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा इसी सेक्टर में वर्क करती है. कॉटन कल्टिवेशन में 46.8%, ग्रोइंग ऑयल सीड में 45.4%, वेजिटेबल प्रोडक्शन में 39.13% है और फिशर जो हैं वो 21% है और फिश फार्मर 24% जो वुमेन है. नेक्स्ट रोल ऑफ फार्म वुमेन इन एग्रीकल्चर, अब क्या रोल है फार्म वुमेन के एग्रीकल्चर में उसको हम लोग देखते हैं. सो बेसिकली जो रूरल वुमेन होती है
वो तीन तरह से इंगेज होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक तो पेड लेबर की तरह, मतलब जो श्रम करती है उसके रूप में दैनिक भत्ते पे या फिक्स पे। नेक्स्ट कल्टीवेटर, मतलब खुद अगर वो ओनर होती है, खुद का उसका लैंड होता है। नेक्स्ट थर्ड मैनेजर की तरह इंगेज होती है, जो डिफरेंट एक्टिविटी को उसके अंदर में उसको असाइन किया जाता है, उसको मॉनिटर और करती है, मॉनिटरिंग का वर्क। नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल जो रोल है वुमेन का, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनल में आपका क्या है कि वो सोइंग में भी काम वो करती है, तो सोइंग में भी उसका वर्क है, विनोइंग में, ओसाई में भी इनका वर्क है, फर्टिलाइजर अप्लीकेशन में भी वो वर्क करती हैं, वीडिंग में भी वर्क करती हैं, ट्रांसप्लांटिंग में भी वर्क करती हैं, उसके बाद जो हार्वेस्टिंग में भी वर्क करती है। ऐसा कोई वर्क नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वुमेन ना करती हो। तो ये आप देख, मल्टी डायमेंशनल इनका रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब आप डोमेस्टिक में देख लीजिए इनका, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ डोमेस्टिक मतलब घरेलू कार्यों में सबसे पहला कि कुकिंग का काम, जो भी कुकिंग कर वो होते हैं, ये 95% 98% जो वुमेन ही करती हैं। वाटर कलेक्शन का वर्क इन्हीं के ऊपर है, फ्यूल वुड गैदरिंग मतलब जो घर का ईंधन इकट्ठा करना है, लकड़ी इकट्ठा करनी है, वो वुमेन करती है। चाइल्ड रियरिंग, जो चाइल्ड को रियर पालन पोषण उनका करना है, वो वुमेन करती है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करके आने के बाद भी डोमेस्टिक वर्क भी करती है वो, तो ये रोल है वुमेन का। नेक्स्ट अलाइड एक्टिविटीज में आप देखेंगे तो कैटल मैनेजमेंट, उसके साथ फिर वो पशुओं को भी देखभाल करती है, फॉडर कलेक्शन भी करती है पशुओं के लिए, मिल्किंग का भी वर्क करती है वुमेन। तो ये अलाइड एक्टिविटीज हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या वर्क है वुमेन के। व्हाट इज एम्पावरमेंट बेसिकली, तो एम्पावरमेंट इन टर्म ऑफ क्या हम लोग देखते हैं, तो कबीर 2001 में इन्होंने डेफिनेशन दिया था एम्पावरमेंट एज द एक्सपेंशन इन पीपुल्स एबिलिटी टू मेक स्ट्रेटजिक लाइफ चॉइसेस इन ए कॉन्टेक्स्ट वेयर द एबिलिटी वॉज प्रीवियसली डिफाइंड टू देम। तो बेसिकली ये क्या होता है कि आप सिंपल सी डेफिनेशन है कि पीपल की जो एबिलिटी होती है उस एबिलिटी के बेसिस पर उनके पास चॉइस का ऑप्शन हो, मतलब एबिलिटी के बेसिस पर उनको चॉइस का ऑप्शन हो कि वो जो करना चाह रहे थे वो एक्चुअल में उसको अचीव किए कि नहीं किए, जो प्री डिटरमाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर एबिलिटी एलिजिबिलिटी, तो वो उसको मिलना चाहिए, ये आपका एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट बेसिकली क्या है कि एक प्रोसेस है एम्पावरमेंट में एन आउटकम, एक आउटकम मिलता है, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। वाई एम्पावर वुमेन, क्या नीड है कि हमें वुमेन का एम्पावरमेंट करने की जरूरत है और जरूरत पड़ी थी, तो पहला रिडक्शन इन इनइक्वलिटी, क्योंकि इनइक्वलिटी हमारे समाज में जो है एक इक्वल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलता था, चाहे वो लेबर में हो, वेज में हो, चाहे डिफरेंट एक्टिविटीज में हो, चाहे इक्वल चांस का हो, तो ये इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए। दूसरा क्या, एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वुमेन का आप देख सकते हैं 84% कंट्रीब्यूशन है, और उसका कंट्रीब्यूशन से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एक अलग ग्रोथ और डेवलपमेंट दे सकते हैं, इस वजह से जरूरी। नेक्स्ट फॉस्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है उनको ग्रोथ करने के लिए, उसको और इन्हेंस करने के लिए। नेक्स्ट पथ टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये क्या है कि एक ऐसा एम्पावरमेंट करके हम एक सस्टेनेबल ओवरऑल सोसाइटी का या सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इन्हेंसिंग फूड सिक्योरिटी, अगर इनका रोल है और ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अलाइड एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, मेजर एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं, प्लस होम मैनेजमेंट भी कर रही हैं, तो क्या है कि एक फूड सिक्योरिटी को हम मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट भी कर रही हैं, कैसे 5 लोगों को खाना बनाना, तो कितने में बनाना है ये इनको पता है, तो इससे भी मैनेजमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बैरियर इन वुमेन एम्पावरमेंट, कौन कौन से बैरियर हैं जिनकी वजह से इनके एम्पावरमेंट में बैरियर का इकट्ठा करते हैं, रुकाव होते हैं। पहला लैक ऑफ कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, तो जो आपके रिसोर्सेज हैं उन पे अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये है। नेक्स्ट वीक लीडरशिप, थोड़ा सा जो हमारे लीडर हैं या वुमेन को उतना चांस नहीं मिलता लीडर के लिए, तो लीडरशिप इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, ये है। इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी को हमको इन्फ्लुएंस करना है मीन्स इनके प्रति, तो ये है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इनकम, तो क्योंकि अब आपके पास एक लिमिटेड इनकम होती है, इस वजह से आप इन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस वजह से भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, अब हम लोग मेजरमेंट करते हैं। सो बेसिकली मेजरमेंट के अगर हम कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, कैसे मेजरमेंट करेंगे किसी भी इंडिविजुअल की
कंडीशन को या वुमेन की कंडीशन को, तो पहला उसका सोशियो इकोनॉमिक इंपावरमेंट, मीन्स उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। नेक्स्ट सोशल कल्चरल इंपावरमेंट, उसका कितना सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट लीगल इंपावरमेंट, उसके पास कितनी लीगल अथॉरिटीज़ हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल इंपावरमेंट, मीन्स उसका पॉलिटिकल में कितना है, लीडरशिप में कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, मतलब वो मानसिक रूप से कितनी स्ट्रांग है, ये चीज़ है। सो बेसिकली जेंडर एनालिसिस टेक्निक्स, अब एनालिसिस की टेक्निक की हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क इन्होंने दिया था 1980 में, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट में डेवलप हुआ था ये। क्या है कि इट टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन इनटू प्रोजेक्ट एनालिसिस। तो ये प्रोजेक्ट एनालिसिस में जो वुमेन का इंटीग्रेशन होता है उसको एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो मेथड है वो वुमेन एम्पावरमेंट फ्रेमवर्क, तो डेवलप बाई सारा फ्लू पेकले लोंगवा इन जेम्बिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव वुमेन्स एम्पावरमेंट बाई इनेबलिंग वुमेन टू अचीव इक्वल कंट्रोल ओवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो बेसिकली क्या है कि इसमें अचीव किया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे, इनेबल करके डिफरेंट जो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन उसको लेके पार्टिसिपेशन को करवा के उनके ओवरऑल डेवलप करते हैं। नेक्स्ट सेगा अप्रोच FAO ने दिया था, तो बेसिकली इसको डेवलप FAO ने किया था, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें क्या होता है, हेल्प इन पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ वुमेन एंड मैन इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन देम। तो इससे क्या है कि गैप जो होता है उसको फुलफिल किया जाता है इस मेथड में। नेक्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट एग्रीकल्चरल इंडेक्स WAI, आपने दिया होगा, देखा होगा कि WAI क्या है। तो ये जुलाई 2011 टू फरवरी 2012 में आया था ये कॉन्सेप्ट। WEI बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट एग्रीकल्चरल इंडेक्स। पायलट सर्विस कंडक्टेड इन थ्री कंट्रीज, तीन कंट्रीज में पायलट सर्वे किया गया, उसके बेसिस पे इसको रिकमेंड किया गया। उसमें पहली कंट्री बांग्लादेश थी, सेकंड आपका गुटेम्बला था, थर्ड आपका युगांडा था। नेक्स्ट मेजरमेंट द एम्पावरमेंट एजेंसी एंड कंक्लूजन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। सो बेसिकली एम टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कनेक्शन बिटवीन, तो जो कनेक्शन होते हैं यहाँ समझ में आया कि वुमेन एम्पावरमेंट, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर ग्रोथ, इनका कोरिलेशन, मतलब इनके बीच में कनेक्शन है। तो वो जो तीन कंट्री में एनालिसिस किया गया था उसके बेसिस पे ये दिया गया। हाउ इट्स कंस्ट्रक्टेड, इसको कैसे WEI को बनाया जाता है, तो WEI के 5 डोमेन्स ऑफ एम्पावरमेंट, 5 एम्पावरमेंट के डोमेन्स लिए गए थे। जेंडर पेटी डेक्स GPI होता है उसको मिला के WEI को बनाया गया। 5 डोमेन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कौन कौन से डोमेन लिए गए थे, तो पहला आपका प्रोडक्शन लिया गया था जिसमें इनपुट इन प्रोडक्शन, डिसीजन ऑटोमेटिक इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के इनपुट उनको लिया गया। प्रोडक्शन के बाद फिर आपका रिसोर्सेज, ओनरशिप ऑफ असेट, कितना ओनरशिप है महिलाओं का असेट में, ये हो गया परचेज सेल ट्रांसफर ऑफ असेट में। फिर इनकम, कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ इनकम, कितना परसेंट इन इनकम का उनके ऊपर खर्चा किया, ये देखा गया। लीडरशिप को लिया गया कि कितना वुमेन लीडरशिप कर रही है। टाइम, मतलब उनके ऊपर कितना टाइम, किस कहाँ वो अपना स्पेंड कर रही है, ये 5 उसके डोमेन थे। नेक्स्ट आपका है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जो GPI को लिया गया था, ये भी दूसरा एलिमेंट था आपके WEI का। ए रिलेटिव इनइक्वलिटी मेजर दैट रिफ्लेक्ट द इनइक्वलिटी इन 5D प्रोफाइल बिटवीन द प्राइमरली एडल्ट मेल एंड फीमेल इन ईच हाउस होल्ड। तो आप क्या इसको देख रहे हैं कि एक रिलेटिव इनइक्वलिटी मेजरमेंट का एक मेथड है जिसमें रिफ्लेक्ट क्या किया जाता है कि 5DE लिए जाते हैं, 5D के फुल फॉर्म है या ये एलिमेंट हैं प्रोफाइल उनके, और ये प्राइमरी जो एडल्ट मीन्स जो बच्चियाँ होती उनके बीच में और जो हाउस होल्ड के बीच में, क्या उनके साथ क्या इनइक्वलिटी ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, तो ये मेजर किया जाता है GPI में। और ये क्या शो करता है, सो द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु हैव अचीव्ड पैरिटी विद रिस्पेक्ट टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ये जब वो एडल्ट प्राइमरी एडल्ट मेल और ये इसके साथ जो किया जा रहा है, इससे दोनों का मेजरमेंट करते हैं कि एक मेल के साथ क्या किया जा रहा है और फीमेल के साथ क्या किया जा रहा है एक हाउस होल्ड में, क्या उसके साथ मेल को क्या ज़्यादा मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहा है, या वो चीज़ें क्या एक्चुअल इनइक्वलिटी उनके साथ की जा रही है, ये दिखाता है। नेक्स्ट क्या है कि द GPI स्कोर कैन बी इम्प्रूव्ड बाई इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर लेस एम्पावर्ड देन मैन बाई रिड्यूसिंग द एम्पावरमेंट गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ सम हाउस होल्ड। तो GPI स्कोर को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो किसी भी हाउस होल्ड में एक मेल और फीमेल के बीच में जो इनइक्वलिटी की जा रही है, अगर उसको हम इनइक्वलिटी को रिमूव करें और इक्वल चांस दें तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं।
नेक्स्ट डब्ल्यू ई आई इट थस एन एग्रीगेट इंडेक्स दैट शो, मतलब एक एग्रीगेट इंडेक्स है जो शो करता है, पहला क्या द डिग्री टू विच वुमेन आर एम्पावर्ड, कितना डिग्री वुमेन एम्पावरमेंट एम्पावर है ये शो करता है, द डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन, और ये परसेंटेज को भी बताता है कि मैन और वुमेन के बीच में कितना इनइक्वलिटी है। और नेक्स्ट क्या है, जैसे आप देख सकते हैं एम्पावर फाइव इन, मैंने पहले बोला था कि पांच डोमेन लिए गए थे, अचीव जेंडर पैरिटी को आप इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा अचीव प्रोग्रेस इन वुमेन एम्पावरमेंट, इसको आप सुधारेंगे, इसको आप सुधारेंगे तो आप अचीव करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट स्ट्रेटजी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन एग्रीकल्चर, सो बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है, रोल ऑफ एक्सटेंशन का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है, एम्पावरमेंट आपका सेंट्रल एलिमेंट हो सकता है और होता है, उसमें पहला आपकी नॉलेज लेवल इंक्रीज करना वुमेन का, उनका सोशल स्टेटस इंक्रीज करना, उनको इकोनॉमिक डिपेंडेंट बनाना है, उनको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके अंदर देना, और स्किल मींस जो न्यू न्यू टेक्निक आ रही है उनके बारे में उनको सिखाना है, तो ये एम्पावरमेंट है उसके एलिमेंट है। अब स्किल एम्पावरमेंट में क्या है कि बाय ट्रेनिंग इन द एरिया ऑफ वेरियस ऑपरेशन, उनको ट्रेनिंग देना है वेरियस जितने भी ऑपरेशन है, चाहे फील्ड ऑपरेशन के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में उनको ट्रेन करना है, न्यूट्रिशनल बायोसिक्योरिटी के बारे में वोकेशनल ट्रेनिंग उनको देनी है, जैसे मुर्गी पालन मछली पालन हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में उनको सिखाना है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर वुमेन, उनके लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है उसको बारे में उनको बताना है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, चाहे साइड इनकम के लिए हो, साइड इनकम मशरूम आप हो सकता है, फ्लोरिकल्चर उनके लिए हो सकता है, फ्लोरिकल्चर गार्डन को कि गार्डनिंग ईजी को ग्रो कर सकती हैं। थर्ड क्या है, क्रिएशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्मेंट किया गया है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट उनको हो जाता है और इनकम जनरेट करने लगती हैं डिफरेंट जो कुटीर उद्योग होते हैं उनसे। नेक्स्ट फोर्थ आपका क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन बाय कलेक्टिंग एंड एनालिसिस डेटा, तो जो डेटा कलेक्शन करके हम डिस्प्ले डेटा करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सक्सेस फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक टर्म, जब डेटा लेके आएंगे उसको इस फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे तो एक्चुअल स्टेटस पता चलेगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल पावर, गिविंग रिप्रेजेंटेशन इन लैंड होल्डिंग, मतलब उनको ओनर बनाएंगे हम लैंड होल्डिंग का, तो भी उनका एम्पावरमेंट होगा। नेक्स्ट सिक्स आपका क्या है कि टेक्नोलॉजी किट्स एंड मीडिया मिक्सेस फॉर प्रमोटिंग नॉलेज एंड स्किल एम्पावरमेंट, तो टेक्नोलॉजी को डिफरेंट जो किट है मास मीडिया है एक्सपोजर उसके माध्यम से हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो ये भी आपका एक मेथड हो सकता है। नेक्स्ट फील्ड ट्रायल ऑन ड्रगरी रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, तो फील्ड ट्रायल जो होते हैं बॉन फॉर्म टेस्टिंग वगैरह हो गई, इससे भी आप उनको इंक्रीज कर सकते हैं, उनको दिखा के अवेयर करके डिमॉन्स्ट्रेट करके। नेक्स्ट आउटरीच प्रोग्राम थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन टास्क पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल इन न्यूज़पेपर मैगजीन, तो जो रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम डिबेट या एक अवेयरनेस का शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं समाज में उनके बारे में कि उनके साथ ऐसा ना किया जाए, उनको मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, तो ये चीज़ हो सकती है। रोल ऑफ ICR CIWA, तो इसके लिए एक ICR का इंस्टीट्यूट भी बनाया गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और वो इसी पे वर्क करता है, क्या क्या मेथड हो सकता है, टेक्नोलॉजी होती है, क्या एक्चुअल सिचुएशन है, टू कैटलाइज एंड फैसिलिटेट एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन टू इंटीग्रेट जेंडर पर्सपेक्टिव एंड देयर प्रोग्राम, तो इसीलिए बनाया गया था, डेवलप वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, तो ये वुमेन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज बनाता है, टू मेक वुमेन बेटर एंड इफेक्टिव पार्टनर इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, और इस इंस्टीट्यूट का मेन है कि जो वुमेन है उनको एक इफेक्टिव पार्टनर्स के रूप में नेचुरल रिसोर्सेज के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा देना है, उनको अवेयर करना है। सक्सेस स्टोरी, जैसे आप सक्सेस स्टोरी से भी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो भोपाल सब सेंटर है नेशनल NRC वुमेन का, NRCWA का, तो वो सर्वे कंडक्ट करता है कि कितना परसेंट वुमेन जो एग्रीकल्चर में अपने समय का एक खर्च कर रहे हैं, तो डेली की रूटीन में 43% एग्रीकल्चर में अपना खर्चा करते हैं, तो इसके माध्यम से आप सक्सेस स्टोरी के माध्यम से इंक्रूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन इसका निकल के आ रहा है, आफ्टर मोर देन टू सेंचुरी सिंस द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड इन इक्वलिटी स्टिल द मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर बैकवर्ड एंड लिटिल प्रोग्रेस, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी जो वुमेन है वो बैकवर्ड में है और लिटिल ग्रोथ उनका हुआ, तो इसके लिए क्या है कि ओवरऑल जो स्टेटस ऑफ पोजिशन सोसाइटी में वो अभी भी लिटिल ग्रोथ में है वो। सो मोर अवेयरनेस नीड टू क्रिएट फॉर इम्प्रूव देयर स्किल डेवलप लीडरशिप एंड लिंक विद टेक्नोलॉजी ट्रेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोकल गवर्नमेंट कैन एम्पावर देम टू टेक एक्टिव पार्ट इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर द अदर,
तो इन सबको हम अवेयर करके, चाहे वो स्किल में उनके उनको डेवलप, लीडरशिप उनके अंदर डेवलप करके, लिंक करके टेक्नोलॉजी से, ट्रेड से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लोकल गवर्नमेंट से, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार ला सकते हैं। इम्पावरमेंट वुमेन फार्मर टू फीड इन अर्बनाइजिंग वर्ल्ड। सो बेसिकली जो टारगेट है उसको आप देख सकते हैं कि बाई 2050 तक फूड प्रोडक्शन मस्ट इंक्रीज बाई 50-60% टू सेटिस्फाई पॉपुलेशन ग्रोथ मेन इन सिटीज। तो ये कैसे आपको प्रूव करेंगे, जब वुमेन को पार्टिसिपेशन आप देंगे। नेक्स्ट, क्लोजिंग जेंडर गैप कुड रिड्यूस अंडर नरिशमेंट ग्लोबली 50-50%। तो ये भी फ्यूचर में आपको इम्प्रूव करना है तो बाई द हेल्प ऑफ जेंडर। नेक्स्ट, हाउ टू क्लोज द जेंडर गैप। तो जेंडर को आप कैसे गैप को जो क्लोज करेंगे, तो बेसिकली इसमें ऑन लैंड को उनको ओनरशिप देनी है, एसेट प्रोडक्शन इनपुट में उनको मौका देने को जाके मार्केट में खरीदें, ये सबसे आप उनको इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कैसा लगा सेशन, अपने जूनियर तक, फ्रेंड तक, बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू पॉलिसी।